हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस. टुडे वी गोइंग टू रीड अबाउट अवर RBSE कोर्स क्लास 5th इंग्लिश. लेट्स लर्न इंग्लिश का चैप्टर 1. वी शैल ओवरकम हम रीड करने जा रहे हैं. दिस चैप्टर इज ए पोयम. वी शैल ओवरकम जो एक पोयम है, इस पोयम को चार्ल्स एल्बर्ट टिंडले ने लिखा है. उनके द्वारा यह रचित है. आइए हम इसको एक पोयम के माध्यम से इसको पढ़कर समझते हैं. रिसाइट द गिवन लाइन्स टुगेदर विथ योर टीचर. यानी कि आपके टीचर के साथ आपको इन लाइन्स को दोहराना है. यानी कि ये एक प्रेयर है और इस प्रेयर को हम हमारे स्कूल में बोलते हैं, गाते हैं. तो आइए हम इसको दोहराते हैं. आप भी मेरे साथ इस पोयम को दोहराइए. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन. हो हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन. यह एक छोटा अंतरा यहाँ पर दिया हुआ है. यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, पूछे गए हैं. इज नॉट इज इट एन इंस्पायरिंग सॉन्ग चिल्ड्रन. क्या यह एक इंस्पायरिंग सॉन्ग है चिल्ड्रंस? तो यस, हाँ, यह एक प्रेरणादायी सॉन्ग है. इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें हमारे जीवन में, हम हमारे जीवन में एक दिन मेहनत करके ज़रूर कामयाब होंगे. डू यू नो, क्या आप जानते हो? इट वॉज ट्रांसलेटेड, इसको ट्रांसलेट किया गया है इन टू हिंदी फ्राम इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश में, बाय अ रिनाउंड पोएट, एक कवि के द्वारा. कौन से कवि के द्वारा? गिरजा कुमार माथुर के द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया है. यस वी नो, हम जानते हैं. दिस पोएम वॉज ट्रांसलेटेड, यह पोएम ट्रांसलेट की गई है हिंदी से इंग्लिश में बाय गिरजा कुमार माथुर के द्वारा. लेट्स रीड द सीन द इंग्लिश सॉन्ग हियर. वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम. यानी कि अब हम स्टेंजा पढ़ेंगे और इस स्टेंजा का मीनिंग समझेंगे. आइए हम रीड करते हैं. वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम सम डे. ओह डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम सम डे. हम वी शैल ओवरकम, हम ज़रूर कामयाब होंगे, हम ज़रूर हमें सफलता ज़रूर मिलेगी, हमें हमारे जीवन में सफलता ज़रूर मिलेगी और हम एक दिन सफलता प्राप्त करके ही रहेंगे. ओह डीप इन माय हार्ट आई डू बिलीव, यानी कि डीप इन माय हार्ट, मैं तहे दिल से, मुझे विश्वास है, मैं विश्वास करता हूँ, मुझे तहे दिल से विश्वास है कि हम एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे. यहाँ पर कुछ उसके मीनिंग्स दिए हुए हैं. ओवरकम यानी सफलता, सक्सेस, समडे यानी एक दिन, डीप इन माय हार्ट यानी कि अनडाउटलेबली, डाउटलेसली, बिलीव यानी कॉन्फिडेंस, विश्वास. इसका मीन्स द पोएट सेज दैट ही हैज़ नो डाउट अबाउट सक्सेस. कवि कहता है कि वह कोई डाउट नहीं रखता है सफलता के बारे में, यानी उसे कोई भी डाउट नहीं है कि वह सफल नहीं होगा या होगा. A day will come when we will succeed in getting over our problems. यानी कि एक दिन हमारी लाइफ में एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हम सफलता प्राप्त कर लेंगे, सभी हमारी सभी समस्याओं से ऊपर उठकर हम हमारे जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे. Second stanza, we will walk hand in hand, we will walk hand in hand. We will walk hand in hand someday. It's mean कि हम बिल्कुल भी हमारे जो रास्ता है, हमारा जो लक्ष्य है, हम उससे कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और एक दूसरे का साथ देकर, एक दूसरे के हाथों में हाथ लेकर चलेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे और हम एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे. Oh deep in my heart we will hand in hand someday. तहे मुझे तहे दिल से विश्वास है कि हम एक दिन साथ साथ ज़रूर चलेंगे, हम एक दूसरे की मदद करेंगे. द पोएट सेज दैट ही हैज़ फर्म बिलीफ दैट अ डे विल कम व्हेन द डिफरेंस
thoughts will end and all people of world would move together with love. कवि कहता है कि वह उसे विश्वास है कि एक दिन उसके लाइफ में ऐसा ज़रूर आएगा कि उसके वह उसके सोच से परे रहेगा, उसकी सोच बहुत ही अच्छी होगी और उसकी जो गंदी सोच है, पुरानी सोच है, वह उसको ख़त्म करेगा, अंत उसका अंत करेगा. ऑल पीपल ऑफ वर्ल्ड यानी कि संसार के सभी लोग मूव टुगेदर विथ लव और सभी प्रेम से स्नेह से एक दूसरे के साथ चलेंगे और रहेंगे. वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड टूडे. हम नहीं डरेंगे, हम नहीं डरेंगे, हम आज नहीं डरेंगे, यानी कि हम हमारे अंदर मन, हमारे मन में जो डर है, हम उस डर को ख़त्म करेंगे और हमारे जीवन के मार्ग पर हम आगे बढ़ेंगे. ओह डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, मुझे पूरा विश्वास है कि हम हमारे जीवन में कभी भी नहीं डरेंगे और हमें डर से आगे बढ़कर हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे. द पोएट सेज दैट द टाइम्स हैज़ कम व्हेन वी हैव नॉट फियर एनी थिंग्स, वी हैव अटेंड द स्टेट ऑफ फियरलेसनेस. कवि कहता है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि हम हमारे डर को पीछे छोड़कर हम हमारे जीवन में आगे बढ़ेंगे और उन्नति के मार्ग पर चलेंगे. द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री, द ट्रूथ शैल अस मेक अस फ्री, द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री समडे. यानी कि जो सत्य है वह हमें स्वतंत्र बनाएगा, यानी कि हम हमारे जीवन में अगर सत्य बोलते हैं तो वह हमें एक दिन ज़रूर सफलता प्राप्त करवाएगा या हमारे जीवन में स्वतंत्रता की आज़ादी की प्राप्ति हो देगा. ओह डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, मुझे तहे दिल से विश्वास है कि सत्य ही हमें एक दिन फ्री करवाएगा, स्वतंत्र करवाएगा. द पोएट सेज दैट द विल कम व्हेन ऑल पीपल वुड नो व्हाट इज ट्रूथ. कवि कहता है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब सभी लोग यही जानेंगे कि सत्य क्या है, एंड दिस ट्रूथ, और यही सच हमें हमारे मुसीबतों से या परेशानियों से बचाएगा. वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस, यानी कि हम शांतिपूर्वक रहेंगे, हम शांतिपूर्वक रहेंगे और हम एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा हमारे जीवन में कि हम सभी शांतिपूर्वक हमारा जीवन व्यतीत करेंगे. ओह डीप इन माई हार्ट, ओह डीप इन माई हार्ट, वी शैल लिव इन पीस समडे. और हमारे जीवन में, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जीवन में एक ऐसा दिन ज़रूर आएगा कि हम हमारे बिल्कुल स्वतंत्र रूप से शांतिपूर्वक हम रहेंगे. द पोएट सेज दैट ही हैज़ फर्म बिलीव दैट अ डे विल कम व्हेन ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द पीपल ऑफ द वर्ल्ड विल एंड. यानी कवि कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि हम हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स, हम हमारे सभी कॉन्फ्लिक्ट्स के परे जाएंगे और द पीपल ऑफ वर्ल्ड विल एंड, और हमारे इस संसार के लोगों को ख़त्म करेंगे, यानी कि इस संसार के लोगों की जो अंदर बुराइयां हैं उन सबको ख़त्म करेंगे. ऑल पीपल ऑफ वर्ल्ड विल एंजॉय पीसफुल स्टेट, और सभी संसार के सभी लोग एंजॉय और शांतिपूर्वक रहेंगे. तो यह एक कविता है, यह एक पोयम है. वी शैल ओवरकम, हम हमारे जीवन में ज़रूर कामयाब होंगे. इस पोयम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे जीवन में कभी भी मुसीबतों से नहीं डरना चाहिए, मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए. इसी से हम हमारे देश की रक्षा कर सकते हैं. आई होप कि आपको यह चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और हम आगे हमारी नेक्स्ट वीडियो या PDF के माध्यम से हम इसकी एक्टिविटीज़, इसके क्वेश्चन आंसर हम आगे करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रंस.